हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में जो कॉन्सेप्चुअली आपको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से नहीं आ सकता है, बट ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप दूसरे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे जो मार्जिनल रेवेन्यू या फिर एवरेज रेवेन्यू से रिलेटेड है। हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कुछ बिहेवियरल प्रिंसिपल्स के साथ में, मतलब कि डिसीजन मेकिंग में जब किसी भी बिजनेस फर्म को या कंपनी को कोई भी स्टेप लेना होता है तो उसको इन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। और ये हमें कैसे समझ में आता है, जब हम टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू के ग्राफ्स को हम देखते हैं तो उससे हमको समझ में आता है कि एक कंपाउंड स्टडी करने के लिए हमको कॉस्ट को, प्रोडक्शन को और मार्केट को, इन सभी थियोरीज को साथ में कंबाइंड रीडिंग करना आनी चाहिए। तो ये कंबाइंड रीडिंग के कुछ हम प्रिंसिपल्स यहाँ पर इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं जो आपके मॉड्यूल में बिहेवियरल प्रिंसिपल्स के नाम से मार्केट चैप्टर में यूनिट 1 के एंड में दिए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी बिहेवियरल प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केट अंडर बिजनेस इकोनॉमिक्स, लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर थोड़े से बेसिक्स की बात करेंगे। कहाँ पर हम जंप करने वाले हैं आपको मालूम है, हम जंप करने वाले हैं कॉस्ट में। थियोरी ऑफ कॉस्ट जब हमने पढ़ी थी, थियोरी ऑफ कॉस्ट के अंदर हमने क्या देखा था, हमने सबसे पहले देखा था कि तीन चीज़ें होती है सब। एक तो टोटल में हम जब डाइव करते हैं तो तीन चीज़ें हमारे सामने आती हैं, और जब हम एवरेज में डाइव करते हैं तो यहाँ पर तीन चीज़ें या फिर टर्मिनोलॉजीज हमारे सामने आती है। ठीक है, वो क्या होता है सर, टोटल कॉस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक इक्वेशन हमने देखी थी दैट टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू माई फिक्स्ड कॉस्ट प्लस माई वेरिएबल कॉस्ट बराबर है। और सर इसी चीज़ को जब हम एवरेज में कन्वर्ट करते हैं सो माय एवरेज टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू माय एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, राइट? आप इस बात से आप एग्री होते हैं? सो जब ये दोनों इक्वेशंस या फिर हमने ये कहे कि डेफिनेशन जब समझी हमने यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर, तो इससे हमको क्या समझ में आया, इससे हमको समझ में आया है कि सर एवरेज और टोटल की बात हमें अलग अलग करनी होगी। जब हम टोटल से एवरेज में जंप करते हैं तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिंपली क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं दैट अगर मुझे पर यूनिट कुछ भी काम करना है तो मुझे एवरेज के ऊपर ही आना पड़ेगा, क्योंकि एवरेज हमेशा पर यूनिट के ऊपर ही यहाँ पर हमें डिफाइन करता है। टोटल कॉस्ट इतनी लगी है, नंबर अगर मैं क्वांटिटी का जो है उसे डिवाइड कर दूंगा तो सब चीज़ एवरेज के अंदर आ जाएगी। ओके, तो गिवन दिस इन्फॉर्मेशन एंड गिवन दिस प्री रिक्विजिट नॉलेज जो हमारे पास में है थियोरी ऑफ कॉस्ट का, उसे हम अपने पास में रखते हैं। ठीक है, और अब हम आगे कहाँ चलेंगे, हम आगे चलते हैं हमारे आज के प्रिंसिपल्स की तरफ। अब देखिए प्रिंसिपल आपको ध्यान से समझना होगा। सबसे पहला प्रिंसिपल मैं यहाँ पर स्टार्ट करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गोल्डन में, रोमन में नंबर 1। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट प्रिंसिपल। प्रिंसिपल लिख देता हूँ फिर हम उसको यहाँ पर ऑपरेशन करेंगे अच्छे से। ये प्रिंसिपल ये कहता है बच्चों, इसको ज़रा हम ब्लॉक में डाल देते हैं ताकि आपको नोट्स बनाने में ईजी रहेगा। सो ये प्रिंसिपल ये बोल रहा है बच्चों दैट कोई भी ऐसी कंपनी है या कोई भी ऐसी फर्म है, उसको प्रोडक्शन कब रोकना है और कब नहीं रोकना है ये डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब कि व्हेन टू स्टॉप मेकिंग गुड्स और व्हेन टू स्टॉप सेलिंग योर गुड्स एट अ गिवन प्राइस, दिस इज़ अ प्योर डिसीजन विच एवरी फर्म और कंपनी शुड बी एबल टू मेक। बट उसके लिए उसके पास में बहुत सारा डेटा होना चाहिए जो उसको ये बताए कि यार अब मैं प्रोडक्शन अगर करूँगा और मैं अगर इसी रेट में अपना प्रोडक्ट बेचता रहा तो मैं तो नुकसान में आ जाऊँगा, बराबर है? तो वो कैसे कंपेयर करेगा? अब इसके लिए अभी मैंने प्रिंसिपल का ब्लॉक जो है वो एम्प्टी रखा है। क्यों? क्योंकि अभी मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मतलब कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सर आप कह रहे हैं कि मुझे एक सर्टेन प्राइस पर हर किसी प्रोडक्ट को बेचना पड़ता है, बराबर है? यस। अब ये प्राइस सही है या गलत है हमें ये कैसे पता चलेगा? सिंपल सा लॉजिक है, प्राइस को हम कैसे कंपेयर करते हैं, ये प्राइस कौन सी है, सेलिंग प्राइस है, ध्यान रखिए क्योंकि हम रेवेन्यू की बात कर रहे हैं। तो ये जो प्राइस है ये जस्टिफिएबल मेरे लिए कब होगा, जब ये मेरी कॉस्ट को रिकवर करेगा। मानते हैं आप इस बात को, मेरी कॉस्ट को रिकवर करेगा, अगर ऐसा प्राइस है तो मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सिर्फ कॉस्ट को रिकवर करना है क्या, कि कॉस्ट को सरपास करना है, मतलब कि हमें प्रॉफिट भी बनाना है, राइट? सो कॉस्ट में सर दो चीज़ें होती है, ये हमने पढ़ी है। कौन सी दो चीज़ें होती है सर? अभी आपने ऊपर हमको बताया कि एक तो फिक्स्ड कॉस्ट होगा और एक वेरिएबल कॉस्ट होगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी हम लिख देते हैं सर, एक तो फिक्स्ड कॉस्ट होगा और वेरिएबल कॉस्ट होगा। नाउ
दो चीज़ें हो सकती हैं कि मेरी जो सेलिंग प्राइस है सर, ये सेलिंग प्राइस क्या पोर्शन ऑफ माई कॉस्ट कवर कर पा रही है। अगर ये सेलिंग प्राइस मेरे फिक्स्ड कॉस्ट को ही सिर्फ कवर कर पा रही है, तो वेरिएबल कॉस्ट को कवर अगर नहीं कर पा रही है तो एक अलग सिनेरियो है। अगर मेरी ये टोटल प्राइस इन दोनों को कवर कर पा रही है तो एक अलग सिनेरियो है। बराबर है? देखिए इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। सबसे फर्स्ट सिनेरियो, फिक्स्ड कॉस्ट को कवर कर पा रही है, वेरिएबल कॉस्ट को नहीं कर पा रही है, ठीक है। सेकंड सिनेरियो, दोनों को कवर कर पा रही है। एंड माय थर्ड सिनेरियो इज, दोनों को कवर नहीं कर रही है, दोनों को कवर करने के बाद में एडिशनल भी हम कमा पा रहे हैं, तो वो मेरा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये थर्ड सिनेरियो हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया। अभी ये जो पूरा नीचे मैंने आपको बैकवर्ड फ्लो बताया, बैकवर्ड क्यों? देखिए आपने ध्यान दिया हो तो मैंने यहाँ से यहाँ लिखा है इसको। ऐसा क्यों लिखा है मैंने कि सेलिंग प्राइस से पता किया कि कितना कॉस्ट कवर हो रहा है, कॉस्ट में देखा कि कौन सा कॉस्ट कवर हो रहा है, उसके हिसाब से हमारी सेलिंग प्राइस को हमें जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो अगर मुझे पता करना है कि मैं अगर इस सर्टेन प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को बेच रहा हूं, सो ये मेरे लिए जस्टिफिएबल है कि नहीं है, उसके लिए मैं कॉस्ट पर आ जाऊंगा। तो ये जो सबसे पहला प्रिंसिपल है ना बच्चों, ये पता है प्रिंसिपल क्या बोलता है? देखिए कंटिन्यूशन ऑफ द टॉपिक। सो सबसे पहला प्रिंसिपल ये बोल रहा है, अ फर्म शुड नॉट प्रोड्यूस, ध्यान से देखिएगा, शुड नॉट प्रोड्यूस एट ऑल। क्या लिख रहा है? एट ऑल मतलब कि बिल्कुल भी उसको प्रोड्यूस करना ही नहीं चाहिए कोई भी चीज़। इफ़ को ब्रैकेट में डाल देता हूँ, अगर क्या हो रहा है, अ फर्म शुड नॉट प्रोड्यूस एट ऑल, थोड़ा प्रोडक्शन रोकना चाहिए क्या? कि क्या लिखा है कि पूरा ही प्रोडक्शन रोक देना चाहिए? मतलब सर अगर हम इस प्रिंसिपल पे यहीं रुक जाए तो एट ऑल का मतलब हम सर ये निकाल सकते हैं कि एकदम शटडाउन वाली पोजिशन में लाने के लिए बोल रहे हैं ये? यस, ये बोल रहे हैं कि एक फर्म को अपना प्रोडक्शन शटडाउन कर देना चाहिए। इफ या फिर व्हेन, कब ऐसा क्या हो रहा है कि शटडाउन करना पड़े? व्हेन इट इज नॉट एबल टू, व्हेन इट्स नॉट एबल टू व्हाट कवर टी वी सी। ध्यान देना, मैं लिख चुका हूँ, मैं हमारा प्रिंसिपल ख़त्म हो चुका है। क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि अगर कोई भी फर्म अपना टी वी सी अपने गिवन प्राइस के साथ में कवर नहीं कर पा रही है, शुड नॉट प्रोड्यूस, उसको अपना पूरा प्रोडक्शन शटडाउन कर देना चाहिए। इफ़ इट इज़ नॉट एबल टू रिकवर और कवर इट्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो उसको अपना प्रोडक्शन रोक देना चाहिए। ये प्रिंसिपल हुआ है। मतलब इनका कहना है कि सर अभी आपने जो हमको सीरीज़ बताई थी कि प्राइस को अगर मुझे पता करना है तो मुझे देखना पड़ेगा कि मेरा कॉस्ट कितना है, कॉस्ट में इनका ऐसा कहना है कि अगर मैं अपने वेरिएबल कॉस्ट को यहाँ पर कवर नहीं कर पा रहा हूँ तो मुझे अपना प्रोडक्शन को शटडाउन कर देना चाहिए। सर प्रिंसिपल आपने बता दिया है, थोड़ा ऑपरेशन कीजिए ना। समझ में नहीं आया हमको कि ऐसा क्यों, अगर वेरिएबल कॉस्ट में कवर नहीं कर पा रहा हूँ तो सर क्या दिक्कत है, मुझे प्रोडक्शन तो करने दो, थोड़ा थोड़ा लॉस करते रहूँगा मैं, उसके बाद में रिकवर कर लूँगा। क्या ऐसा पॉसिबल है अगर आप वेरिएबल कॉस्ट को ही रिकवर नहीं कर पा रहे हैं? तो आइए देखते हैं एग्जांपल के साथ में। अब इसके लिए हम एग्जांपल से इस बात को समझते हैं। देखिए एग्जांपल की वजह से इसमें ज़रूरत नहीं है, पर आप, मैं आपको बताता हूँ, आपको ईजिली समझ में आएगा। देखिए एक बात बताइए आप मुझको कि आपकी एक फैक्ट्री है जो आपकी खुद की नहीं है, ठीक है। ये जो आपकी फैक्ट्री है ये आपने ली है रेंट पे, ध्यान से सुनिएगा, किस पे ली है आपने? ये आपने ली है रेंट पे। अब ये जो रेंटेड फैक्ट्री है इसका एग्रीमेंट जो हुआ है वो आपका हुआ है कितना टाइम का? ये हुआ है आपका 12 मंथ्स का, ठीक है। 12 मंथ्स का एग्रीमेंट हुआ है। आप मुझे बताइए हर महीने आपको रेंट देना ही है? ये जो 1 लाख रुपये का आपको रेंट देना है वो एक बात बताइए आप दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे? दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे वो क्वेश्चन ही नहीं है, आपको देना ही है। और ये आपका क्या प्रोडक्शन के साथ में कनेक्टेड है? नहीं सर, ये मेरी फिक्स्ड कॉस्ट है, ये मेरी फिक्स्ड कॉस्ट ऐसी कॉस्ट है जो मुझे पे करनी ही करनी है, इसके अलावा कोई सोल्यूशन ही नहीं है मेरे पास में। तो अगर मैं हर मंथ में, जैसे जनवरी में, फरवरी में और मार्च में, अभी 3 मंथ में लेता हूँ, मेरा फर्स्ट क्वार्टर, मैंने यहाँ पर अगर 500 यूनिट्स मैन्युफैक्चर किया, यहाँ पर मैंने
1000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर किया और यहाँ पर मैंने 800 यूनिट्स मैन्युफैक्चर किया। अब यहाँ पर हर यूनिट्स के साथ में जो मेरी कॉस्ट कनेक्टेड है वो कौन सी कॉस्ट होती है? सर वो मेरी वेरिएबल कॉस्ट होती है और सर ये मेरी फिक्स्ड कॉस्ट है। तो अभी मैं जो प्राइस कर रहा हूँ, ये जो यूनिट्स मैं बना रहा हूँ, वो यूनिट्स की कॉस्टिंग कितनी है? लेट्स से इसकी कॉस्टिंग हम ऐसे करते हैं दैट एक यूनिट को बनाने में यहाँ पर आपकी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? 1,00,000 रुपये है, बराबर है, विच कम्स टू पर यूनिट बेसिस अगर मैं करता हूँ तो मेरी फिक्स्ड कॉस्ट आती है 100 पर यूनिट और मेरी वेरिएबल कॉस्ट आ रही है 50 पर यूनिट। तो टोटल कॉस्ट मेरी कितनी आ रही है? 150 रुपीज़, और मेरा जो प्राइस है वो है 200 रुपीज़, यानी कि माय सेलिंग प्राइस। तो अब इस वाली सिचुएशन में क्या कोई दिक्कत है? 200 रुपये में कमा रहा हूँ जिसमें से 150 मेरी कॉस्ट है, तो 50 का मेरा प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है, टोटल कॉस्ट है, बराबर। सो यहाँ पर 50 रुपीज़ मैं डायरेक्टली कमा ही रहा हूँ, बराबर है, राइट। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम प्राइसेस को चेंज करते जाते हैं। चलिए अब सेकंड सिनेरियो क्या हुआ, ये फर्स्ट हुआ। सेकंड सिनेरियो मेरा ये हुआ कि मेरी जो सेलिंग प्राइस है वो हो गई .150, तो कॉस्ट मेरी टोटल 150 की है, बराबर है, और मेरा यहाँ पर सेलिंग प्राइस ही 150 का है। मतलब क्या, मैं ब्रेक इवन पे आ गया हूँ, मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है, आई एम जस्ट एबल टू रिकवर वॉट एवर मेरा पैसा लगा हुआ है उतना मैं रिकवर कर पा रहा हूँ। तो ये नॉर्मल तरीके से मैंने रिकवर किया, इसको मैं लिख दूँ नॉर्मल कवर, बराबर है। ये क्या सुपर नॉर्मल हो जाएगा? यस, ये मेरा सुपर नॉर्मल हो गया। ओके, नाउ अब थर्ड सिचुएशन थोड़ा ध्यान से देखिएगा। थर्ड सिचुएशन में क्या हो रहा है बच्चों कि सेलिंग प्राइस जो मेरी है वो कितनी हो गई है? वो हो गई है 40 रुपीज़, मात्र 40 रुपीज़। अब मुझे एक बात बताइए, आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना है? आपका वेरिएबल कॉस्ट है 50 रुपये और आप जो कमा पा रहे हैं वो है 40 रुपये। मतलब कि आपका जो लेबर है या आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है या फिर आपका जो रॉ मटेरियल है या फिर मशीन के साथ में जो आपके पार्ट्स चल रहे हैं उनके साथ में लगे हुए जितनी भी आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह है, रॉ मटेरियल के साथ में फर्निशिंग है या फिर आपकी जो फिनिशिंग वाला काम है, एवरीथिंग जो आपका वेरिएबल कॉस्ट में आता है, वो सब आप रिकवरी नहीं कर पा रहे हो, तो धंधा करने का मतलब क्या है? देखिए फिक्स्ड कॉस्ट जो है, ये फिक्स्ड कॉस्ट तो आपकी संक कॉस्ट होती है। कौन सी कॉस्ट होती है? संक कॉस्ट, मतलब एक बार लग गई तो लग गई। अब अगर आप शट डाउन भी कर दोगे ना आपकी फैक्ट्री तो भी आपको रेंट तो देना ही है, बराबर है। तो अगर आप जब लॉस कैलकुलेट करने जाएंगे, कौन सा लॉस? हम जब ऑपरेटिंग लॉस कैलकुलेट करने जाएंगे, सो ऑपरेटिंग लॉस दो सिचुएशन में यहाँ पर हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, जब मैं काम करते रहूँगा और जब या तो मैं अपनी फैक्ट्री शट डाउन कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए ऑपरेटिंग लॉस इस वाली सिचुएशन में कितना हो रहा है, जब मेरा सेलिंग प्राइस मात्र 40 रुपीज़ है, बराबर है, और मेरा कॉस्ट कितना है? मेरा कॉस्ट टोटल 150 है, तो मेरा यहाँ पर लॉस कितने का हो रहा है? ऑपरेटिंग लॉस, लॉस इज 150 माइनस 40, 110 रुपीज़ का मेरा टोटल लॉस हो रहा है, राइट। इस बात को आप मानते हैं, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। ये देखिए मेरा लॉस है 110 रुपीज़ का, कब? जब मैं अपनी फैक्ट्री को चलाते रहता हूँ तब की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। सो फैक्ट्री जब चलाई तो 110 का मुझे लॉस हुआ। अगर मैं शट डाउन कर देता हूँ तो क्या मुझे प्रोडक्शन करना पड़ रहा है? नहीं करना पड़ रहा है, मतलब वेरिएबल कॉस्ट मेरा बच गया। तो मेरा सिर्फ क्या लगेगा? मेरा सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट लगेगा, जो मेरा संक कॉस्ट है सिर्फ क्या वही मेरा यहाँ पर लगेगा, और वो कितना है? मात्र 100 रुपीज़ है। तो क्या यहाँ पर आपका लॉस कम हुआ? 110 का जहाँ नुकसान होता था, अब आपको सिर्फ 100 का ही नॉर्मल ऑपरेटिंग लॉस हो रहा है इफ़ यू शट डाउन योर व्हाट, योर फैक्ट्री। तो ये प्रिंसिपल आपसे क्या कह रहा है कि अगर आपका जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो रिकवर नहीं कर पा रहे हो ना आपके सेलिंग प्राइस से, तो आप क्या करो, शट डाउन कर दो, क्योंकि शट डाउन करने में ही भला है। वेरिएबल कॉस्ट जैसे ही आपकी रुक जाएगी, प्रोडक्शन जैसे ही रुक जाएगा, आपका सिर्फ जो संक कॉस्ट है, जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है, वही आपका ऑपरेटिंग लॉस होगा और कुछ भी नहीं होगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो यहाँ पर तीन सिचुएशन हमारे सामने कैसी बनी, ये जो मैंने आपको बताई है उनको थोड़ा सिस्टमेटिकली हम लिखे तो इस तरीके से दिखेगी आपको। चलिए तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर क्या होगा, देखिए मैं इनको वापस से रोमन में लिख देता हूँ, 1, 2 और 3। ये हम तीन सिचुएशंस कौन सी देख रहे हैं ये आप ध्यान रखिए, ये हमारा प्रिंसिपल नंबर 1 चल रहा है, ठीक है। ये आप देखिए प्रिंसिपल नंबर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं किसके अंदर, ये प्रिंसिपल नंबर 1 हमको बताएगा कि बिहेवियरल
रिलेशनशिप्स क्या होती है, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं जो किसी भी फर्म को अगर डिसीजन मेकिंग करना है तो उसको ध्यान में होना चाहिए। प्रिंसिपल वन ये कह रहा है कि आपको अगर आप आपके प्राइस से बिल्कुल भी आप वेरिएबल कॉस्ट को, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को अगर आप रिकवर नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज़ रुक जाइए। हाथ जोड़ से निवेदन है आपसे, आप प्रोडक्शन अब मत करिएगा, क्योंकि प्रोडक्शन जैसे आप रोक देंगे आपका जो लॉस होगा वो सिर्फ आपके फिक्स्ड कॉस्ट होगा। अगर आप नहीं रोकते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट का भी आपको लॉस होगा, तो बहुत बुद्धिमानी वाली चीज़ है ना। अगर आप वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर रहे हो तो आप खर्चे कैसे निकालोगे। इन शॉर्ट, आप जितना बेचकर कमा रहे हो उससे आप अपने लोगों की सैलरी भी नहीं दे पा रहे हो, सिंपल सी बात है। तो अगर ऐसी नौबत आ गई है कि बेचने के बाद में जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उससे आपके लेबर की सैलरी या वेजेस भी नहीं निकल पा रही है तो प्लीज़ रोक दो ना। आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट है सिर्फ वही खर्चा रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट का लॉस तो आपके ऊपर नहीं आएगा कम से कम, ये लॉजिक है। तो यहाँ पर तीन सिचुएशंस हमारे सामने आने वाली है। देखिए, सबसे पहले बीच में लिख देता हूँ मेरा प्राइस, प्राइस को मैं और क्या बोल सकता हूँ, प्राइस को क्या मैं एआर बोल सकता हूँ। हम पहले यहाँ पर डिफाइन कर चुके हैं कि मेरा जो एवरेज रेवेन्यू है वही मेरा प्राइस रहेगा, बराबर है। तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्राइस या फिर एवरेज रेवेन्यू। नाउ प्राइस और एवरेज रेवेन्यू को मैं किससे कंपेयर कर रहा हूँ, मैं कंपेयर कर रहा हूँ मेरे वेरिएबल कॉस्ट से और मेरी टोटल कॉस्ट से। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टोटल कॉस्ट, एक काम करते हैं एटीसी लिख देते हैं, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेरी वेरिएबल कॉस्ट। तो ये कितना हो जाएगा मैं ए वी सी। अब मेन पॉइंट इन दिस क्वेश्चन इज व्हाट, मेन पॉइंट है कि मेरा जो वेरिएबल कॉस्ट है क्या मैं उसको रिकवर कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। और टोटल कॉस्ट जो है मेरे पास में उसको भी मुझे कंपेयर करके देखना पड़ेगा कि कितना चल रहा है, ठीक है। तो इन तीनों के बीच में पूरा कंपैरिजन चलने वाला है। चलिए तो देखते जाते हैं। अभी हमारे जो साइन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साइन पर ध्यान देते जाइएगा। सो व्हेन माय प्राइस इज मोर देन माय एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मतलब कि मैं मेरे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर कर पा रहा हूँ, मतलब मेरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा है मेरा प्राइस, बट मेरा जो टोटल कॉस्ट है उससे कम है, उससे कम है, मतलब मेरा एवरेज टोटल कॉस्ट अभी भी ज़्यादा है, ऐसी वाली सिचुएशन में क्या होगा। सर थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, एक फिगर्स लिख दो तो हमको समझ में आ जाता है। फिगर लिख लो आप, मेरी जो प्राइस है वो मेरी प्राइस है 150 की, बट मेरा जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कितनी है, वो है मात्र 50 रुपीस की, बट जो मेरी टोटल कॉस्ट है वो कितने की है, वो 200 रुपीस की है, ठीक है। तो क्या मेरा प्राइस वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर रहा है, यस 150 में वो कवर कर रहा है, बट क्या वो टोटल कॉस्ट को कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। इसका कंक्लूजन क्या होगा, इसका कंक्लूजन ये होगा, अभी मैं इनको यहाँ पर पॉइंट्स को हम बाद में देखेंगे, पहले इसको हम पूरा इलोबरेट कर रहे हैं कि इसका कंक्लूजन मैं यहाँ पर लिख दूँ। इसका कंक्लूजन ये है दोस्तों दैट माय प्राइस इज एबल टू कवर वेरिएबल कॉस्ट इन फुल एंड एबल टू कवर माय फिक्स्ड कॉस्ट आल्सो बट सम, यानी कि पूरी तरीके से तो नहीं कर रहा है बट थोड़ा सा कर रहा है। कैसे, 50 तो पूरा रिकवर कर लिया तो बचे 100 रुपये, तो मेरी यहाँ पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट के साथ में टोटल कॉस्ट कितनी थी, 150 की थी, तो मेरी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी की हो गई यहाँ पर, ये देखिए फिक्स्ड कॉस्ट 150 हो गई। कैसे पता चला, सर जब 200 मेरी टोटल है इसमें से 50 वेरिएबल है तो यहाँ पर बचा हुआ 150 मेरा फिक्स्ड कॉस्ट होगा, तो 150 में से सर 100 मैंने कवर कर लिया है क्योंकि मेरी सेलिंग प्राइस 150 की है, तो इसमें से 50 वेरिएबल कवर करा और 100 मैंने क्या किया, फिक्स्ड कॉस्ट कवर किया, तो क्या फिक्स्ड कॉस्ट में से मेरा सम फिक्स्ड कॉस्ट हैज बीन कवर्ड, यस। सो ऐसी सिचुएशन के अंदर सबसे पहला कंक्लूजन मेरा क्या निकलता है कि मेरा जो प्राइस है वो मेरे वेरिएबल कॉस्ट को तो फुल तरीके से रिकवर कर रहा है बट मेरा जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसको थोड़ा सा रिकवर कर रहा है। तो ये हो गई पहली सिचुएशन। अब आप इस फॉर्मेट को ध्यान रखना, ठीक है। अब इस फॉर्मेट के चलते हुए हम हमारा सेकेंड कंक्लूजन भी निकालते हैं, ठीक है, आइए देखते हैं। सो सेकेंड पॉइंट यहाँ पर क्या होगा या सिचुएशन क्या होगी, नाउ माय एवरेज रेवेन्यू और माय प्राइस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ इसके साथ में क्या हो रहा है। अगर मेरा एवरेज रेवेन्यू और जो मेरा प्राइस है वो मेरा टोटल कॉस्ट के बराबर है, क्या बोला, टोटल कॉस्ट के बराबर है, तो क्या मैं इसको एक काम करूँ, इसको इक्वल्स टू रख दें हम, यस इसको इक्वल्स टू रख दीजिए, मतलब कि माय एवरेज रेवेन्यू कितना है 200 और मेरी टोटल कॉस्ट भी कितनी है 200, मतलब क्या मैं पूरा रिकवर कर पा रहा हूँ, यस मैं पूरा रिकवर कर पा रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि सर टोटल कॉस्ट में मेरी फिक्स्ड कॉस्ट भी आ गई और मेरा वेरिएबल कॉस्ट भी आ गया, 150 रुपये की फिक्स्ड कॉस्ट भी कमा पा रहा हूँ मैं और जो मेरी वेरिएबल कॉस्ट थी 50 रुपये की मैं वो भी कमा पा रहा हूँ।
इस तरीके से सर मैंने 200 रुपीज़ जितने गवाए उतने कमा लिए, तो सर ये तो कुछ प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं। इसको प्रॉफिट नहीं बोलते हैं, पर प्रॉफिट बोलते भी हैं। क्यों? क्योंकि सर इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में एक हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है सर, एक तो इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है और एक अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है। आपको याद है जितना खर्चा हुआ उतना मैंने यहाँ पर कमा लिया, तो वो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट होता है। तो क्या दिस इज़ द सिनेरियो ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट? यस, इसे मैं बोलूँगा ये हुआ है नॉर्मल प्रॉफिट। या फिर इसको मैं क्या बोलूँगा, इसे मैं बोलूँगा इकोनॉमिक प्रॉफिट। और वो भी कैसा इकोनॉमिक प्रॉफिट है? इसे कहा जाता है ज़ीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट। मतलब कि अभी मैंने जितना गवाया उतना मैंने काम मतलब कि बेच कर कमा लिया, पर मेरा जो इकोनॉमिक प्रॉफिट है अभी वो ज़ीरो पे खड़ा हुआ है। क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या होता है? इकोनॉमिक प्रॉफिट में अगर आप याद हो तो ऐसा एक्सपेंस जो नहीं लगा बट लग सकता था, जैसे जो एम्प्लॉयर है यानी कि जो एंटरप्रेन्योर है वो अपना टाइम दे रहा है, अपनी एनर्जी दे रहा है, अपने वो जितनी भी स्किल्स यूज़ कर रहा है, अगर वो नहीं करता तो किसी बाहर वाले को वेजेस देना पड़ता, अगर वो कैपिटल नहीं लगाता तो बैंक से लोन लेना पड़ता तो इंटरेस्ट देना पड़ता, अगर वो खुद की ज़मीन नहीं देता तो हमें रेंट देना पड़ता। तो ये सब जो कॉस्ट है जो इंटरनली जिसे इम्प्लिसिट कॉस्ट हम बोलते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट भी जब रिकवर हो जाती है तो वो इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है। अभी इकोनॉमिक प्रॉफिट नहीं हो रहा है बट नॉर्मल प्रॉफिट है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट है और जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट है। ठीक है, थोड़ा सिनेरियो हम चेंज कर देते हैं यहाँ पर। वो सिनेरियो क्या चेंज हो जाएगा कि जब मेरा एवरेज रेवेन्यू जो है दोस्तों वो अगर सरपास कर जाएगा किसको, मेरे टोटल कॉस्ट को, यानी कि टोटल कॉस्ट तो कम है और मेरा एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा है, मींस मेरे टोटल कॉस्ट 200 है और मैं 500 का मेरा सेलिंग प्राइस है, मतलब मैं खतरनाक कमा रहा हूँ सर। कॉस्ट निकल गई, इम्प्लिसिट कॉस्ट निकल गई, सब कुछ कमा लिया, मतलब सर ये क्या हो गया? ये हो गया मेरा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, बराबर है। और अगर मैं इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में बोलूँ तो ये हो जाएगा मेरा पॉजिटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट। सो दोस्तों इस तरीके से हमने सबसे पहला प्रिंसिपल तो देख लिया है जो बिहेवियरल प्रिंसिपल्स में हमको समझना था। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रिंसिपल। नेक्स्ट प्रिंसिपल भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर मैं गोल्डन पॉइंट से लिख देता हूँ। नेक्स्ट प्रिंसिपल जो हमारा आने वाला है वो भी बहुत ही शानदार प्रिंसिपल है, तो उसे भी हम यहाँ पर समझेंगे। और उसके लिए एज यूजुअल मैं ये ब्लॉक खाली छोड़ देता हूँ, तो आपको ये रिविजन करने में भी ईजी रहेगा। ठीक है, चलिए ये ब्लॉक हो गया। अब देखते हैं सेकेंड प्रिंसिपल बात क्या कर रहा है। अब दोस्तों अगला जो ये प्रिंसिपल है ना, इसका नाम पता है क्या है? इसको बोला जाता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इसको यहां पर लिख देता हूं मैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, ऐसा इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये प्रिंसिपल बताता है कि अगर कोई भी फर्म प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहती है तो उसे क्या करना चाहिए। सो एवरी फर्म हु वॉन्ट्स टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट, इट शुड एक्सपैंड इट्स आउटपुट। वॉट लिख देता हूं, इट शुड expand its output। ये मैं एज इट इज़ क्यों लिख रहा हूँ, आपको पूरा लैंग्वेज आपको मॉड्यूल में मिलेगा और आपको याद करने में ईजी रहेगा, समझने में ईजी रहेगा। सो इट शुड एक्सपैंड इट्स आउटपुट टू द लेवल ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। इसका मतलब क्या हुआ? दैट मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। जब ये सिचुएशन आ जाएगी ना बच्चों, इस सिचुएशन का मतलब क्या होगा? दैट आपका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम पर आ चुका है। ठीक है, सो इस चीज़ के लिए हमको क्या समझना होगा? इसके लिए हमें ग्राफ समझना होगा। ग्राफ से हम डायरेक्टली यहाँ पर समझेंगे कि ये प्रिंसिपल आखिरकार बोल क्या रहा है। सो ये बोल रहा है कि आपका जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो जब मार्जिनल कॉस्ट के बराबर आ जाएगा, पर ऐसा कब होगा हमें वो समझना होगा। एम आर इक्वल्स टू एम सी, मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, सो क्या हमको दोनों के जो ग्राफ है वो हमको पता होना चाहिए? बिल्कुल पता होना चाहिए आपको इन दोनों के ग्राफ। बट इनके पहले ग्राफ बनाने के पहले सबसे पहले देख लो कि इनका नेचर क्या है। मार्जिनल रेवेन्यू क्या विथ माई इंक्रीजिंग आउटपुट, जो कहाँ पर होगा? मेरा आउटपुट यहाँ पर होगा। यस, तो ये हो गया मेरा आउटपुट। क्या विथ माई इंक्रीजिंग आउटपुट मेरा जो मार्जिनल रेवेन्यू है, ये रेवेन्यू है, वो गिरता जाएगा? रेवेन्यू या फिर कॉस्ट हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों का हम एक ही जगह प्लॉट करेंगे। तो मार्जिनल कॉस्ट को यहाँ पर प्लॉट करेंगे और मार्जिनल रेवेन्यू को भी यहाँ पर ही प्लॉट करेंगे। सो मेरा आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा तो मेरा मार्जिनल रेवेन्यू इज ऑफ दिस नेचर कि वो बढ़ता जाएगा कि कम होता जाएगा? वो कम होता जाएगा। ठीक है, तो क्या जो मेरा ग्राफ रहेगा वो इस तरीके से नीचे जाएगा? यस, ये मेरा ग्राफ रहेगा मार्जिनल रेवेन्यू का, एम आर। ठीक है, सो आई शुड राइट एम आर हेयर।
ओके नाउ जो मेरा मार्जिनल कॉस्ट है, क्या मार्जिनल कॉस्ट के बारे में आपका ये कहना है कि विथ माय इंक्रीजिंग आउटपुट माय मार्जिनल कॉस्ट विल इंक्रीज ओवर द पीरियड? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये मेरा मार्जिनल कॉस्ट होना चाहिए, बिल्कुल सही, ये मेरा मार्जिनल कॉस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा मार्जिनल कॉस्ट का कर्व हो गया। अब सर आप इससे क्या बताना चाह रहे हैं? कुछ नहीं, आप समझ चुके होंगे। अब ये जो मेरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, आपका इसके बारे में क्या कहना है? ये मेरा पॉइंट है जिसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इस पॉइंट पर होता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन डॉट कर देता हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है हमें लॉजिक समझना है। अभी जो मैंने यहाँ पर आपको थियोरी बोली उसका मैंने आपको यहाँ पर ग्राफ बताया। ग्राफ बताने के बाद में अब मैं आपको रीज़न बताऊँगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। अभी आप थोड़ा धैर्य रखिए। यहाँ पर अगर हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ करते हैं, आप मुझे बताइए कि एट दिस पॉइंट जहां पर मेरी क्वांटिटी क्यू है और ये मेरा ओरिजिन है, क्या मेरा ओक्यू जो मेरा क्वांटिटी है वो एक इक्विलिब्रियम वाला क्वांटिटी है? इक्विलिब्रियम से मतलब क्या है यहाँ पर, कि वो मुझे यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट ला के दे रहा है। मतलब जो कोई भी फर्म ओक्यू बनाएगी तो ओक्यू बना के उसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि ओक्यू पर हो क्या रहा है, ध्यान से देखिए, ओक्यू पर मेरा जो रेवेन्यू है, ठीक है, वो और मेरा जो मार्जिनल कॉस्ट है वो दोनों एज इट इज सेम पॉइंट पर स्टैंड करता है, ठीक है। करता है कि नहीं करता है? बिल्कुल करता है। नाउ अगर मैं इसको थोड़ा आगे पीछे करूं तो क्या प्रॉब्लम होगी वो हम समझते हैं। सो यहां पर मैं अपनी जो मेन क्वांटिटी है जहां पर मुझे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मिला है उसको कम करता हूं और उसको ज्यादा करता हूं। लेट्स से हम यहां पर दो पॉइंट्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। एक पॉइंट मेरे पास में है ए, एक पॉइंट है मेरे पास में बी। अब पहले आप देखिए MR और MC कर्व को, ठीक है। सो MR कर्व यानी कि जैसे जैसे मेरा आउटपुट बढ़ रहा है इस तरफ, वैसे वैसे मेरा जो रेवेन्यू है वो कम होते जा रहा है, बराबर है। सो एक पॉइंट पर हम यहाँ पर जब देख रहे हैं तो यहाँ पर मेरा दोनों एज इट इज़ सेम पॉइंट पर है, ठीक है। अभी मैं A पॉइंट की अगर बात करूँ, सो A पॉइंट को देखिए मैं यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ, ठीक है, ओके। और B पॉइंट पर मैं एक लाइन बनाता हूँ, चलिए ये भी मेरी एक लाइन हो गई B पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर आपको एक एरिया यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। वो एरिया किस तरीके से दिखेगा, ये जो आपको बीच वाला एरिया है मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये मैंने यहाँ पर शेड कर दिया है येलो, ठीक है। और दूसरा जो एरिया हम उसको दूसरे कलर से शेड कर देते हैं, लेट्स से ये ब्लू कलर से कर देते हैं, ठीक है। अभी कॉन्सेप्ट समझना है हमको, यहाँ पर ड्राइंग नहीं करना है, इसलिए हम थोड़ा स्पीड से आगे बढ़ते हैं। सो दो एरियाज मेरे पास में आ गया। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको किस तरीके से बताऊंगा। जब मैं बात करता हूँ ए पॉइंट की, सबसे पहले हमने ये कंक्लूड कर लिया यहाँ पे कि मेरा जो ओक्यू है, ओक्यू पर जब मैं इतनी क्वांटिटी क्रिएट करता हूँ, बनाता हूँ, प्रोड्यूस करता हूँ, सो मैं ई पॉइंट पर आता हूँ और ई पॉइंट मेरा क्या है, ई पॉइंट मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। यहाँ पर मैं प्रॉफिट मैक्सिमम पर स्टैंड करता है, ठीक है। जब मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब करता हूँ ओक्यू को और मैं ओक्यू से थोड़ी सी क्वांटिटी को कम करता हूँ, कम करा मैंने मतलब कितना बनाया मैंने, ओ ए बनाया मात्र, ठीक है, ये दिख रहा है आपको ओ ए। तो जब मैं ओ ए बनाता हूँ और मैं वहीं रुक जाता हूँ तो आपको क्या लगता है, मेरा कोई प्रॉफिट का यहाँ पर लॉस हो रहा है क्या? मतलब प्रॉफिट का लॉस हो रहा है, मतलब क्या मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है? यस, मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है। कैसे? जो आपको येलो एरिया दिख रहा है, येलो एरिया को हम नाम देते हैं, काम करते हैं एफ और जी, ठीक है। सो येलो एरिया जो है मेरा ई एफ जी, ये इतना प्रॉफिट मुझे अब नहीं मिल रहा है क्योंकि मैंने तो ए पे आके अपना यहाँ पर आउटपुट यानी कि मैंने बेचना इतना कम कर दिया, मैंने अपने आउटपुट को यहीं रोक दिया। मतलब मैं ए क्यू वाला डिस्टेंस मैंने अब कवर में नहीं कर रहा हूँ, ए क्यू में कवर नहीं कर रहा हूँ, मतलब कि जो येलो वाला एरिया है ये वाला, उसका इतना प्रॉफिट मैं नहीं ले पा रहा हूँ। क्यों? ये सर आपको कैसे पता चला कि ये प्रॉफिट का जोन है? प्रॉफिट का जोन इसलिए है कि मेरा जब तक मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट तक नहीं पहुँचता है मेरा प्रॉफिट वाला एरिया रहता है। देखिए ध्यान से देखिए, ई पॉइंट के पहले पहले, ई पॉइंट के पहले पहले मार्जिनल रेवेन्यू के ग्राफ को अगर आप देखेंगे तो वो हर पॉइंट पर मार्जिनल कॉस्ट से ऊपर है। मानते हैं आप इस बात को? देखिए क्या यहां पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, ये देखिए ये सभी, ये कौन सा कर्व है मेरा, ये मेरा मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व है। क्या ये मेरे मार्जिनल कॉस्ट से ऊपर है? ये मेरा मार्जिनल कॉस्ट है, ये सब नीचे है, यहाँ पर इनकी मार्किंग्स यहाँ पर आएगी मार्जिनल कॉस्ट की और मार्जिनल रेवेन्यू की मेरी मार्किंग सब यहाँ पर आएगी, बराबर है। तो इन सबको मैं हटा देता हूँ। सो इसका मतलब क्या हुआ कि सर जो आप सेकंड सिचुएशन ये बोलने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पे, इस वाली सिचुएशन में ए पॉइंट पर मेरा जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो हमेशा मार्जिनल कॉस्ट
से ज़्यादा था, बट फिर भी मैंने OA पे जब मेरा यहाँ पर आउटपुट रोक दिया तो मुझे येलो वाले रीजन का पूरा लॉस हो गया, इतना प्रॉफिट में नहीं कमा पाया। बराबर बात है सर, जब मैं बी रीजन तक गया तो मतलब कि मैंने मेरे नॉर्मल आउटपुट से ज़्यादा आउटपुट क्रिएट कर लिया, मतलब मैंने OB तक मैंने आउटपुट क्रिएट कर लिया, जो मेरा OQ जो स्टैंडर्ड है उससे ज़्यादा हो गया। इससे अब क्या हुआ दोस्तों, इससे मेरा प्रॉफिट कम हुआ, प्रॉफिट बड़ा कि क्या हुआ, अब देखिए इससे मेरा जो लॉस है ना बच्चों वो इंक्रीज हुआ है। क्यों? आफ्टर दिस पॉइंट जो मेरा ब्लू एरिया है जिसको हम क्या नाम दे सकते हैं, ये हो गया था EFG, इसको हम नाम देते हैं H और I, ठीक है। सो EHI जो एरिया है वो ऑलरेडी मेरा लॉस का एरिया था जो ब्लू एरिया है। क्यों? यहाँ पर इस पूरे रीजन पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे मेरा जो मार्जिनल कॉस्ट है वो मेरा मार्जिनल रेवेन्यू से ऊपर है। देख लीजिए, आप मार्किंग देखना हो तो आपको देखिए, हम बात कर रहे हैं इस पॉइंट के बाद की, ठीक है। सो इस पॉइंट के बाद पे मेरा जो MR है वो यहाँ पर है, तो MR की मेरी जो मार्किंग्स है वो यहाँ पर है, इसको मैं लिख देता हूँ, ये MR की मार्किंग्स हैं, बराबर है। और मेरा ये मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पर है, मतलब मार्जिनल कॉस्ट मेरा सब ऊपर है, तो माय मार्जिनल कॉस्ट इज मोर देन माय मार्जिनल रेवेन्यू विच इज़ अ लॉस फॉर मी। और अगर मैं OQ पॉइंट के बियॉन्ड जाता हूँ तो मैं अपने लॉस को इंक्रीज कर रहा हूँ, तो जो ब्लू एरिया जितना है उतना मैंने अपना लॉस इंक्रीज कर लिया है। ये बात आप मानते हैं? बिल्कुल। तो ये तीन सेपरेट कंक्लूजन हमको यहाँ पर मिले हैं। प्रिंसिपल हमको ये कह रहा था कि अगर आप चाहते हैं प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना तो आप अपने आउटपुट को एक्सपैंड कीजिए। कहाँ तक कीजिए? अंटिल योर MR रीचेज योर MC स्टॉप देयर, उसके बियॉन्ड मत जाना। अगर उसके बियॉन्ड चले गए तो फिर आपका प्रॉफिट मैक्सिमम पर खड़ा हुआ था, उसके बियॉन्ड गए तो लॉस चालू हो जाएगा, बराबर है। और उससे कम भी आपने अगर ऑपरेट किया तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, वही हमने देखा। सो इस पॉइंट के बियॉन्ड क्या हो रहा है, माय MR एंड MC दोनों सेम पोजिशन पर खड़े हैं, इसके बियॉन्ड में जाता हूँ तो ब्लू एरिया मेरा टोटल लॉस है, बराबर है। और इससे पहले वाला रीजन पूरा मेरा प्रॉफिट है। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहूँ किसके टर्म्स में, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ मेरे रेवेन्यू के टर्म्स में, तो वो कैसे रहेगा, देखिए अगर ये मेरा रेवेन्यू का कर्व है, टोटल रेवेन्यू का, थोड़ा सा इसको अच्छे से बना देते हैं, बराबर है। ये मेरा टोटल रेवेन्यू का कर्व है अगर, बराबर है। सो टोटल रेवेन्यू बढ़ता है और कम होता है, राइट। अब इसमें अगर मेरा जो सेंटर पॉइंट है ये है, बराबर है, अगर मैं इसको यहाँ पर डिवाइड करता हूँ तो इस सेंटर पॉइंट के पहले पहले यानी कि इस पूरे रीजन के अंदर मेरा जो MC है दैट इज़ लेस देन माय MR, मतलब कि MR यहाँ पर स्ट्रांग है। और इस पॉइंट के बाद में मेरा MC ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है और मेरा MR वीक हो जाता है, तो ये पूरा एरिया जो है दिस इज़ लॉस रीजन एंड दिस इज़ माई प्रॉफिट रीजन। बस तो मुझे टोटल रेवेन्यू में अगर यहाँ पर इस पॉइंट पर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है तो आई हैव टू स्टे इन दिस जोन एंड आई कांट गो इन दिस जोन बिकॉज मुझे लॉस यहाँ पर होने लग जाएगा। तो ये था हमारा सेकेंड प्रिंसिपल जो बोल रहा है कि इफ़ यू वॉन्ट टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट देन यू शुड एक्सपेंड योर आउटपुट टिल योर MR रीचेज योर MC, मीन्स वेन योर MR एंड MC आर इक्वल योर प्रॉफिट इज एट मैक्सिमम, योर टोटल रेवेन्यू इज एट मैक्सिमम। ये भी एक प्रिंसिपल है जो बिहेवियरल आस्पेक्ट आपको समझ में आना चाहिए, वो हमने सेकेंड प्रिंसिपल यहाँ पर कवर किया है। सो दोस्तों इस तरीके से इस पूरे वीडियो के अंदर हमने दो प्रिंसिपल्स यहाँ पर डिस्कस करे हैं, बिहेवियरल प्रिंसिपल्स जिनको बोला जाता है, वो क्या है वो देखिए मैंने यहाँ पर आपको पूरा सिनोप्सिस बना के डाल दिया है। पहला प्रिंसिपल था अ फर्म शुड नॉट प्रोड्यूस एट ऑल इफ़ इट्स नॉट एबल टू कवर इट्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पर सबसे पहला जो प्रिंसिपल था वो बात कर रहा था वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर, अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो प्लीज़ धंधा मत कीजिए, शट डाउन कर दीजिए, आपका जो संक कॉस्ट है फिक्स्ड कॉस्ट है बस वही आपका लॉस होगा। और दूसरा जो प्रिंसिपल है वो कह रहा है कि अगर इफ़ यू वॉन्ट टू मेक यानी कि प्रॉफिट को अगर आप मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो आप ध्यान रखिए अपने मार्जिनल रेवेन्यू को मार्जिनल कॉस्ट तक ही जाने दीजिए, मार्जिनल कॉस्ट के बियॉन्ड अगर आप जाने की कोशिश करेंगे तो ये पॉइंट था आपका प्रॉफिट मैक्सिमम का, इसके बियॉन्ड जाएंगे तो आप लॉसेस में चले जाएंगे। इस तरीके से दोनों प्रिंसिपल्स यहां पर हमने कवर करे हैं और आपका जो मार्केट चैप्टर है उसका यूनिट फर्स्ट है वो यहां पर ही फिनिश ऑफ होता है। नेक्स्ट वीडियो के साथ में हम सेकंड यूनिट को डिस्कस करेंगे, बहुत ही छोटी है सेकंड यूनिट, हम ऑलरेडी बहुत सारे पॉइंट्स देख चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में जहां पर डिमांड सप्लाई में चेंजेस कैसे होते हैं वो हम समझेंगे, डिमांड सप्लाई के चेंजेस को साइमल्टेनियसली हम समझेंगे और इन दोनों का इंपैक्ट, चेंजेस का इंपैक्ट इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के ऊपर क्या होता है वो भी हम देखेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, अगर आ रहे हैं तो प्लीज़ ईकेडा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। देखने के लिए धन्यवाद।